जिस तरीके से बूढ़ा केदार क्षेत्र में बारिश के बाद तबाही आई हुई है उसका यहाँ पर जायजा लेते हुए नजर आएंगे। आपदा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे सीएम और ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है इसको लेकर के मुखातिब होते हुए लोगों से नजर आएंगे। जो पीड़ित परिवार है उनसे भी मिलेंगे, आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बूढ़ा केदार क्षेत्र में बारिश के बाद जो तबाही आई हुई है उसका जायजा लेंगे, आपदा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे सीएम। तो देखिए आज मुख्यमंत्री का यहां पर दौरा, गृहमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और यहां पर देखिए लगातार जिस तरीके से देवभूमि का अगर जिक्र करें तो मूसलाधार बारिश आसमानी आफत लगातार बरप रही है जो कि समस्याओं की वजह बनी है। और इसके अलावा अगर बात करें टिहरी की तो आज टिहरी का दौरा रहने वाला है सीएम का, यहां पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचेंगे, हालातों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जिस तरीके से जो समस्या आन पड़ी है, चाहे बात लैंडस्लाइड की करे, भूस्खलन की करे या मैदानी क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति जो उत्पन्न हुई है उन सभी क्षेत्रों को लेकर के जिस तरीके से स्थिति है यहां पर सख्त आदेश दिए गए हैं, जो कदम है वो उठाए जाए, जरूरी कदम यहां पर जो अधिकारी है वो ले, प्रशासन को यहां पर अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। इसके अलावा एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात हैं। तो आज टिहरी जाएंगे सीएम धामी, तो आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए नजर आएंगे। और देखिए तबाही का मंजर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे किस कदर यहां पर मूसलाधार बारिश के बाद यहां पर तस्वीरें सामने आई है, भयावह ये मंजर है। पहाड़ पर लोग डर के साए में जीने को मजबूर है क्योंकि वहां पर लगातार दरारें पड़ रही हैं, पहाड़ जो है वो दरक रहे हैं। और ये तस्वीरें मानसूनी आफत की, ये तस्वीर कुदरत का रौद्र रूप दरअसल यहां पर नजर आ रहा है। अगर बात नदियों की करें तो जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है जिसकी वजह से समस्याएं यहां पर दोगुनी हो गई है। अरविंद नौटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। अरविंद, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं भयावह मंजर यहां पर देवभूमि का देखने को मिल रखा है, लेकिन इस बीच आज टिहरी का दौरा रहने वाला है मुख्यमंत्री का, जानकारी दीजिएगा। जी, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आपदाग्रस्त जो टिहरी जिले का घनसाली विधानसभा है उसके जो पिनगढ़ गांव है वहां पर आज जाएंगे और जो आपदा पीड़ित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और इससे पहले पुष्कर सिंह धामी जी लगातार फोन से संपर्क पे हैं, आपदा पीड़ितों का हालचाल ले जानकारी ले रहे हैं और फोन से भी उन्होंने अधिकार आपदा पीड़ित लोग हैं उनको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए और जो भी उनकी मदद की जा सकती है और जिस भी तरह से की जा सकती है वो किया जाए। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह कही है कि जो आपदा पीड़ित है उनके लिए धन की कमी कोई आड़े नहीं आने दी जाएगी। तो कुल मिलाकर अरविंद, अगर टिहरी की बात की जाए कितने क्षेत्र है जो कि यहाँ पर भी जहाँ पर स्थिति बेहद संवेदनशील है, जहाँ पर आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, कितने जो गांव हैं जो कि इसके जद में है, खासतौर पर अगर जिक्र लैंडस्लाइड का किया जाए। जी, जो घनसाली विधानसभा का जो क्षेत्र है जहाँ पर की आपदा आई है मुख्य तौर पर जो दो गांव हैं, तोली गांव है और तीन गांव है, तो तीन गांव में भारी मात्रा में मलबा आया था और वीडियो में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से पहाड़ी से पूरी मिट्टी के साथ पेड़ों के साथ मलबा आया था जिसमें कि 8 से 15 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। और जब भूगर्भीय टीम वहां पर मकानों का निरीक्षण करने पहुंची तो उन्होंने भी 40 से 50 मकान रहने लायक नहीं बताए हैं। उन्होंने कहा है कि ये मकान पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, खतरे की जद में है, इसलिए यहाँ पर रहना संभव नहीं है। तो उसी को लेकर कल यहाँ पर कमिश्नर और प्रेमचंद अग्रवाल और जिलाधिकारी यहाँ पर थे और उन्होंने आस पास में जो सुरक्षित जगह है वहाँ पर तलाशनी शुरू कर दी है। अरविंद, इसके अलावा क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है अभी तक और जब मुख्यमंत्री आज पहुंचेंगे इसको लेकर के क्या इंतजाम? जी, यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री के आने का कार्यक्रम चार चौबंद व्यवस्था की गई है। और साथ ही आपको बता दूं कि जो विनायकाल जो हेलीपैड बनाया गया है और ये सादगी पूर्ण कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहेगा क्योंकि
ये दुख की घड़ी है और दुख की घड़ी में जो तोली गांव के जो दो लोगों की मौत हुई थी तो मुख्यमंत्री भी एक सादगी और साधारण एक यहाँ पर तौर पर पहुंचेंगे और जो आपदा पीड़ित हैं जिन्होंने की स्कूल में शरण ली है उनसे भी मुलाकात, यानी कि बादलों की जो ये बगावत है इससे निपटने के लिए लगातार नजर मुख्यमंत्री की भी बनी हुई है। आज जब पहुंचेंगे देखना होगा किस तरीके से वहां पर क्या जरूरी निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अरविंद। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे टिहरी गढ़वाल पहुंचकर आपदा पीड़ितों से मुलाकात करते हुए